हाँ चाचा तो लड़ी 6 महीने के आसपास का था, तब खत्म हो गया। भाई 9-8-9 साल का था, तब खत्म हो गया। 6 महीने का था चाचा? हाँ 6 महीने का। जी जी, अच्छा, मतलब 6 महीने का भी व्यक्ति प्रेत योनि में। हाँ, और तो बचपन में मर गया था। हाँ, हाँ। मतलब उस घर के 8-9 साल का था, मतलब उस घर के अंदर था वो। हाँ, तो वो ऐसी स्थिति गुरुजी उनकी दोनों के बजरंग बाण पड़ने से पहले थोड़े तंदुरुस्त दिखाई दे रहे, बिल्कुल जैसे लकड़ी। हाँ, और बिल्कुल खत्म, मतलब पीट पीट के हनुमान जी बिल्कुल एकदम सही कर देते वो। और एक दो बार सपने में मेरे से ये भी कहा था कि भाई बचा ले इनसे, हनुमान जी से। हनुमान जी से। अच्छा, अब गुरुजी मेरे को ऐसे हो गया, मेरे ही तो हैं ये यार। मैं इसीलिए कहता हूँ अपने पितरों का उद्धार करो, सरेंडर नहीं तो इनकाउंटर, इसी को बोलता था मैं। समझ में आ रहा है? बोलता था ना मैं लाइव में, सुनते थे कि नहीं? जी जी, सरेंडर का मतलब अपना उद्धार करो, प्रेत योनि से मुक्त हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। क्योंकि बजरंग बाण का जो घर घर और बजरंग गांव गांव बजरंग बाण, घर घर बजरंग बाण का जो अभियान था, ये रुकने वाला था नहीं, क्योंकि हमें तो ऊपर से जो है प्रेरणा मिली थी। जब उन्होंने ये कहा था ना कि भाई हनुमान जी से हमको बचा ले, जब तो उनकी खाली लंबाई इतनी थी। अच्छा, एक हाथ बराबर। हाँ, बस एक पंजे के बराबर, एक पंजे के इतनी बड़ी। हाँ, अच्छा, हाँ, और बचा ले भाई हनुमान जी से मेरे घर की। पीट पीट के फिर कितने बड़े हो गए? उन्होंने पीट पीट के फिर कितने हो गए वो? और वो पहले तो लंबे पूरे थे। अच्छा, पहले लंबे थे। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा था कि अब की बार इनको बिल्कुल बांध के ही ले जाऊंगा, हनुमान जी के मंदिर में से ऐसे आवाज आई कि अच्छा। बांध के ले जाऊंगा इनको बिल्कुल। हाँ, दया करके, तुझे दया आती थी, मैंने छोड़ दिया। हाँ, और अब के बिल्कुल बांध के ले जाऊंगा इनको। इतनी लंबी मूर्ति आपके ये यज्ञशाला से बड़ी, यज्ञशाला से बड़ी हनुमान जी की। अच्छा, ऐसे सपने में दिख रहा था? सपने में। सीधा साधा आदमी है ना। देख विजय, तू तो पुलिस विभाग में है, तूने तो बहुत सारे लोगों को देखा है। yes. तो ये लग रहा है तेरे को मेंटल लग रहा है? उसके अच्छा? बाद में ये स्थिति हुई गुरुजी। अब बता, ये तेरे को पागल कह रहा है ये? अब गुरुजी ये कुछ इसका पागलपन का टेस्ट करो। इनको अनुभव नहीं मिला तो वो तो ये तो पागल है या फिर कुछ न कुछ तो है ही। हाँ, जिनको अनुभव मिल गया ना एक बार, वो फिर कुछ भी कहने से इनकार ही करेंगे कि भाई जो भी है कुछ भगवान है। कुल मिला के बजरंग बाण से ये है कि अनुभव अच्छा है। बजरंग बाण के कोई भी अनुभव है नहीं, लेकिन आप और मुझे आज तक किसी को बजरंग बाण पढ़ने से किसी को नुकसान हुआ हो ऐसा कभी अनुभव नहीं आया। और गुरु जी सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, आप लहसुन खाओ, प्याज खाओ, कुछ भी खाओ, आपको किसी भी चीज की मना नहीं करी बजरंग बली ने। अच्छा, मना नहीं करी? मांस मछली भी चलेगा? ना ना ना। अच्छा, नहीं, अगर आपको बजरंग बाण के पाठ करने से पहले अगर आप फल भी खा के चले गए ना तो वो चीज नहीं है वहाँ। पहले आप बजरंग बाण करो और उसके बाद में आप लहसुन प्याज भी खा लो, कोई मेरे से मना नहीं करी। तुमसे मना नहीं? हाँ, लेकिन जब पूजा पाठ करने जाओ तो भोजन करके नहीं जाना चाहिए। भोजन करके नहीं जाना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन, अंडा का सेवन नहीं करना। ये चीज बजरंग बाण करेगा फिर ये चीज करेगा तो फिर मर ही जाएगा वो। ये तो सब शैतानी चीजें है ना। लेकिन लहसुन प्याज के लिए मना नहीं करता। लहसुन प्याज के लिए कोई ज्यादा मना नहीं होता है, लहसुन प्याज से कोई इतना, लेकिन ये है कि जैसे पाठ करते हो उस समय आपका शरीर शुद्ध रहना चाहिए। अब दिन भर फिर अपना लहसुन खा के अपना कर्म करो, फिर उसके बाद शाम को अपना स्नान करके फिर बैठ जाओ। बजरंग बाण से पहले तो अगर आप छाछ भी पी के चले गए ना तो वो भी मना है। अगर तू छाछ पी के आया है तो तू तेरे घर ही रहता है। देख लो, ये बजरंग बाण का एक नया अनुभव मिल गया ना हनुमान जी के द्वारा, प्रत्यक्ष हनुमान जी उसको अनुभव करा रहे। हाँ, अगर तू ये एक गिलास दूध पी के चले गया ना तो वो तेरे घर ही रहे, तू यहाँ क्यों आया है फिर, जब तू इतना पौष्टिक चीज लेना चाहता है तो। खाली पेट चाहिए ना। खाली पेट ही होता तुझे। हाँ, मेरी माँ ने कहा था कि भाई हम लोग, मैं भी जब पूजा पाठ करता हूँ और अगर मैं भी अगर एक गिलास पानी भी पी के बैठ, ये विचार आया कि पानी भी पी के मैं पूजा में बैठ जाऊँ तो नहीं पूजा गड़बड़ा जाती है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ ग्रहण करेंगे तो हमारी जो प्राणों की जो धारा है वो अधोमुखी हो जाएगी, और पूजा पाठ से क्या होता है धारा ऊर्ध्वमुखी होती है, तो दोनों के बीच में फिर वो एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। इसलिए भोजन जब भी भोजन करने के पहले ही, मतलब भोजन के अन्न भी ग्रहण, एकादशी का व्रत होता है तो राजा अम्बरीश ने जब एकादशी का व्रत किया था तो वो जल भी नहीं पान करते थे, पहले नियम तो यही होता है, कम से कम पूजा करने जाओ तो जल आदि का सेवन, भोजन आदि नहीं करना चाहिए। कौन सा गांव की बता रहे तुम? जिला कौन सा बताया? अलवर। गुरु अलवर। अलवर और तहसील?
तहसील कठुमर। कठुमर और क्या करते हो? जमींदार, खेती करता हूँ। जमींदार हो? कितनी जमीन है? 20 बीघा जमीन। अच्छा, 20 बीघा जमीन। कितना कितने का पक्के? 20 बीघा पक्के। पक्के कितने कितने बीघा का होता है? पक्का कितने? बहुत है, 20 बीघा। अच्छा, पक्के में? कितना स्क्वायर फीट होता है वो? यहाँ 27,000 स्क्वायर फीट होता है एक बीघा। हाँ, यहाँ तो मैं वही बता रहा हूँ ना, 27,000 स्क्वायर फीट का एक बीघा होता है यहाँ पे। हाँ, तो वही है। अच्छा, मध्य प्रदेश में लगभग मुझे लगता है कि 12,000 स्क्वायर फीट का होता है। तो 20 बीघा का मतलब अकेले हो? कितने भाई हो तुम? दो भाई है गुरु जी। अच्छा, दोनों में बंटवारे में हो अलग अलग? नहीं, 20-20 बीघा है दोनों के पास। दोनों के पास 20-20 बीघा? उसके पास 20 बीघा। जी जी। तो खेती वेती क्या करते हो? खेती में क्या करते हो? खेती में सरसों, गेहूं, बाजरा। तो मेरे लिए गेहूं वगैरह भेजोगे आश्रम में? गुरु जी, अभी हमारे लेके जरूर लेके गेहूं भेजना, थोड़ा राजस्थानी भी खा के हम भी देखे। इधर सब इधर क्या, इधर तो रोटी खाते ही नहीं हम, माना कि यहाँ के गंगा जी पत्ते खाते नहीं है। बाजरा बाजरा भेज देना, बाजरा होता है जी, मैं आपके लिए क्या जाता हूँ, पता नहीं था ना। गर्मी में बाजरा हम लोग खाते, बाजरे की रोटी खाते हैं। बाजरे की रोटी, अब सर्दी में तो रोटी तो खाता नहीं, ज्यादा तो चावल सब्जी ही खाता हूँ मैं तो। इधर बाजरा अच्छा था, बाजरा लिखा ना गर्मी के दिन बैठ के निकल गया। बाजरे की रोटी हो, उस पे घी लगा के और गुड़ रख के हनुमान जी को भोग लगा दो, देसी गाय का। अभी देखो हनुमान जी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न। बाजरे की रोटी का चूरमा बहुत अच्छा बनता है, गुड़ में मिला के, गुड़ में मिला के खाओ। और गुरु जी ऐसे अनुभव, मतलब रोज रोज तो तुम्हारा वो 11 दिन का अनुष्ठान सबसे पहले हुआ जी। तो जब पाठ करने बैठा था तो तुम्हारे मन में डर रहा होगा कि रूपेश स्वरानंद महाराज कह तो रहे हैं, कहीं पता नहीं सच में हनुमान जी आके गदा न मार दे। डर तो था, नहीं ऐसे डर था कहीं कोई बच्चा वच्चा डिस्टर्ब हो जाए, कोई कुछ ऐसा हो जाए कि खायापनी चल बसे। तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया हो गई थी, इसका मतलब बीच में हो गई गुरु जी, वो तंत्र क्रिया हो गई थी। वो हनुमान जी उठा के क्या कर दिए, वो तंत्र क्रिया किसी दूसरे भी खत्म करा दिए, उसका भी आयु पूरी हो गई थी। कितने साल का था वो? कौन गुरु जी? जो ओम प्रकाश मरा हुआ, लगभग 2-3 साल बड़ा होगा मेरे से। अच्छा, ओहो, ऐसा तो नहीं उसे कुछ इधर उधर पता नहीं क्या ऐसा? अच्छा, विचित्र कहानी हो गई है। तो 2-3 साल बड़ा ही था, किसी ने भेजा जरूर था ये। बहुत तेज आवाज, हे भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, रक्षा करो, रक्षा करो, हे भोले बाबा। उसी दिन तो मिला था गुरु जी मेरे को मंत्र नमः शिवाय का। अच्छा, और बजरंग बाण का पाठ, बजरंग बाण के पाठ करो, नमः शिवाय का जाप करो, हृदय में नमः शिवाय, बस हृदय में। वास्तव में नमः शिवाय ही ये पंचाक्षरी मंत्र है। ओम लगा देने के बाद क्या है, वो षडाक्षरी हो जाता है। मना कर दे, ओम के लिए इसलिए मना होता है क्योंकि जो सात्विक ओम लगा कर जपने से वो थोड़ा सा वो व्यक्ति वैराग्यशील हो जाता है। ओम के लिए ज्ञानप्रद होता है ना, ओम जो होता है ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। ओम लगा दोगे तो 6 अक्षर का हो गया, वैसे भी मंत्र तो पंचाक्षरी ही है। ऐसे न जाने कितने लोग होंगे, पर तुमने अपना अनुभव तो बताया नहीं, हमने लाइव उन्होंने मैसेज किया तुमने व्हाट्सएप करके, कितने साल हो गए हमें? मैं जानू ना, ये नहीं व्हाट्सएप कर मैं ना जानू। अच्छा, देसी जमींदार आदमी है। अच्छा, मैं यूट्यूब पे सुन जरूर लूँ आपका अनुभव। कितने साल हो गए यूट्यूब पे सुन रहे हैं? 3 साल हो गए गुरु जी। अच्छा, सुनते हो मुझे बराबर लाइव? हाँ हाँ, तो कुछ बात अच्छी लगती है गुरु जी? बात अच्छी लग रही थी यहाँ तक आवा में। अच्छा, पहली 4-5 दिन पहले एक बहुत बड़ा विशाल नाग काला, उसने कहा, मैंने मानस तो बना लिया, मैंने गुरु जी के यहाँ जाना है निश्चित। उसने कहा था कि जैसे कोई आदमी लोग बैठे हो तो उसको इधर लेके आ जाओ, जो आदमी कोई बैठे हो वो नाग तो इधर लेके आ जाओ, उसमें कमरे में होंगे। नाग तो दिखाई दिया लेकिन उसने हाथ जोड़ कहा था कि भाई तू जा रहा है तो गुरु जी से मेरी भी मुक्ति करा देना। अच्छा, हाँ, नाग बोला मेरी भी मुक्ति करा देना। अच्छा, अब मैंने कि भाई ये कौन है मुक्ति, बुला लो इधर, बुला लो, तेरे को सब कुछ दूंगा मैं। अच्छा, जो तू मांगेगा ना वो सब कुछ दूंगा, बस मेरी मुक्ति करा दे। मेरी मुक्ति करा दे। तो बोले तू, वो तुम स्वयं आके नहीं बोल सकते गुरुजी से?
अरे सर गुरु जी मेरे कोई सपना नहीं करा, सपना आया था हाँ। और बगल में और हनुमान जी जो शिव जी का शिवाना है ना उसमें मैं पंचामृत चढ़ाने लगा, दूध दही शहद गंगा जल। कब तुम्हें नाग का सपना कब आया? ये 4-5 दिन पहले घर में आया तुम्हारे? हाँ ना घर में नहीं खेत पे आया था, वो नाग खेत पे दिखा था और मैं घर में था। मतलब तुम घर में सो रहे थे? हाँ। मतलब पर तुम्हें ऐसे सपने में दिखा कि तुम जो है खेत में, मतलब हाँ, नाग कितना बड़ा दिखा वो सांप, नाग कितना बड़ा था? मतलब भाई मेरी भी मुक्ति करा दे पड़ोसी के खेत में। कितना बड़ा नाग रहा होगा? हाँ गुरु जी पेड़ के जैसा। हाँ अच्छा, ये इतना बड़ा पेड़? हाँ। काला सा था? हाँ काला, काला था नहीं काला। बोला कि मेरी मुक्ति करा दे। मेरी भी मुक्ति करा दे गुरु जी। चल ठीक है अभी बैठ जाना, थोड़ा उसकी मुक्ति करा देते उसे नाग की। नाग योनि में भी लोग भटक रहे हैं, यही लोग है, नाग है ना सर्वबंधे राजस्थान में, राजस्थान से कई आत्माओं ने यहाँ पर। अब चूंकि हम ज्यादा प्रदर्शन नहीं करते, अभी तुम तो लाइव में आ गए कि चलो मैं सोचा बजरंग बाण का बात आ गई इसलिए हम लाइव ले लिए, अभी इसमें नाग भी घुस गया ये। गुरु जी मैं तो क्या बहुत दिन से कर रहा हूँ ना, दिमाग से निकल रहा है आपके सामने हर बात बोलने की तो हिम्मत ही नहीं, क्योंकि अरे मैं इतना पैसा डरावना लगता हूँ क्या आधी बातों को? तो मैं डरावना लगता हूँ? नहीं डरावने नहीं लगते गुरु जी, एक आदर सम्मानीय है, सम्मानीय आदर होता है। तो वैसे ही जो शिव जी के जो मंदिर है उसके पास में शिव जी के मंदिर पे वो पंचामृत चढ़ाने लग गया, तो उसी के पास में वो घरवालों ने वो दे रखा था ये प्रोतक स्थान, फिर उन्होंने कहा था कि जो तू इन पे चढ़ना इनकी पूजा कर रहा है ना वैसे अगर हमारी पूजा करे तो जो तू मांगे तेरे मन से जो मांगे ने वो ही दे दे। वो प्रेत बोल रहे? वो प्रेत बोल रहे। हाँ। जब मैंने ऐसे एक महात्मा था, मैंने गुरुजी उनसे मन की ऐसे ऐसे मेरे को आवाज आ रही है खुली कानों से जगते हुए। कहाँ का महात्मा था वो? मई पास में एक पहाड़ है, पहाड़ पे महात्मा जी संत रहते हैं, वो कभी कभी खाना वाना वैसे मैं दिया था। चलो ठीक है। हाँ तो नुकरो तू उनके चक्कर मत पड़ना, वो तो जब शिव जी तेरे से प्रसन्न है ना तो वो तो अपना आप प्रसन्न हो जाएंगे, और नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई धन की लालच में मत आना तू। सही 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 महात्मा है इसका मतलब, अगर धन की लालच में ये साधु महात्माओं की बातों में अगर ऐसे साधु महात्माओं के कहने पर समाज चल जाए कि उजासो का भोपा होता तो वो तो कहता कि अरे अच्छा अच्छी बात है उसको लेके आओ, वो भी पहुंच जाता वहाँ पे। कौन सा प्रीत भाई इतना जागृत? लाइनमैन से रिटायर है गुरु जी वो महात्मा, तो लाइनमैन से रिटायर हो गया है। नुकरो भाई अब तुझे अगर मेरी पेंशन चाहिए ना तू ये पेंशन भी ले जा, मुझे तो पेंशन की जरूरत नहीं। हो गया सर जी, वैसे तो आश्वासन दे के आया हूँ वो नाग को, तो मैं नाग का तो अभी तेरी मुक्ति कराता हूँ नाग वाले की। नाग वाले को तो मुक्ति कराने आज मैंने इस बार जो दरवाजा खोल दिया है ऊपर का, जो आएगा मुक्त होगा फटाफट, आया सो आया, बाद में पता नहीं अगली बार पता नहीं आएगा मुक्ति होगी कि नहीं होगी। उसने तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करी इस बार। कल जो है कल हमने संकल्प किया है, नहीं मुझे अभी आवाज हो रहा है उसका संकेत मिल रहा है मुझे। वैसे नहीं कि जोड़ कल में बहुत सारे जितने भी है वो सब तुम्हारे राजस्थान से वीर है पीर है। हाँ। कोई नाग की उन्हीं में बैठ, समझ गया नाग कौन होगा तो समझ में आया तेरे राजस्थान के, वो तो राजस्थान में नाग वाले देवता कौन है ये पता ही है, तुम तो समझ गया तेरा रवि तुरंत समझ जाता है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करी गुरु जी। अच्छा मेरी भी मुक्ति करा। अच्छा तू तो उसके कहाँ से नाग के हाथ आ गए? यही मैं सोच रहा था। नाग के कहाँ से? फणे ना फणे ना, उनके बीच में जैसे अपन आदमी है ना वैसे दिख रहा था मेरे को, तो फणे ऐसे थोड़ी थे ऐसे बड़े 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 बड़े, उस फणों के अंदर आदमी दिख रहा था। आदमी दिख रहा था। हाँ आदमी दिख रहा था, और आदमी भी इतनी बस खाली ये गर्दन नहीं दिख रही थी। हाँ, मैंने एक महात्मा से पूछा जो करे तो खाटू श्याम जी को चल जा। अच्छा मैंने की मेरे कौन महात्मा जी? वही महात्मा जी नहीं, ये कौन थे? ये महात्मा जी कौन थे बताने? खाटू महात्मा दूसरे महात्मा थे। अच्छा वो तो नहीं थे ना पहाड़ वाले? ना पहाड़ वाले नहीं थे। अच्छा वो तो खाटू श्याम, लेकिन उसी पहाड़ पे और महात्माओं के स्थान है। मैंने की महाराज जी मेरे को ऐसे दिखा दूंगा तू खाटू श्याम जी को चल जा गर्दन गर्दन। फिर तू गड़बड़ महात्मा, फिर जो खाटू श्याम वाला बोता है वो तो गड़बड़ है फिर। और आपका ऐसे हंसते हुआ चेहरा आपका दिखा, एक प्रेमानंदी महाराज दिखे, एक बार वो मसान वाले बाबा है ना वो देवरा बाबा, हम कब दिखाई दे? कुछ कहा हंसते हुए दिखे? कब कब कब? ये मैंने 1.5 महीने पहले की बात है। किस लिए दिखे? कैसे दिखे वो, कैसे अनुभव? वैसे मैं बजरंग बाण का पाठ कर रहा था, अब शाम को टाइम याद करके सोया था, सपने में कुछ बोले नहीं कुछ बोले। अच्छा
आप नहीं बोले कुछ भी, तो हम ही थे कि कोई दूसरा था? हम ही थे पक्का? बिल्कुल बिल्कुल आप ही। अच्छा, और कौन देखे प्रेमानंद महाराज जी? कह रहे ज्यादा मत खाए, मैं एक शादी में खाना खाने चले गए तो ज्यादा मत खाए, मैं बीमार हो गया तो खाना खा कर। वो भी सही ध्यान रख रहे हैं आप, बड़े साधु संत आपका ध्यान रख रहे हैं। और वो महाराज जी ने मचान वाले बाबा, उन्होंने ये कहा था सबका कह रहा है कि सबका सब कह रहे हैं कि मेरा नाम ले मेरा नाम ले, तो मेरा नाम ले ले बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। मचान वाला क्या हाल है? कौन सा काम तेरा रुका पड़ा था? मकान बेचने, थोड़ा वो ले लो माइक ले लो पास में। हाँ हाँ, मकान बेचने का जो 6 साल से मेरा रुका हुआ था ना। हाँ, तो रहने दो, ऐसे जमीन पे रख दो उसको, माइक जमीन पे रखो। हाँ, तो बहुत मतलब उसने टोकन दिया है मेरे को। अच्छा, टोकन दे दिया। हाँ, तो जमीन बेचने वाला तो बिक नहीं रही थी? नहीं, भी 6 साल से नहीं बिक रही थी। नहीं बिक रही थी, फिर क्या बताया था आपने? रुद्राष्टकम पाठ करने को बोला तो वो अभी हो गया। देख रहे जमीन का काम कैसे होता है, रुद्राष्टकम से तुम लगे हो इधर उधर की दुनिया भर के टांगड़ाने के। यहाँ एक आदमी अभी 12 ही यज्ञ का आया था, 12 ही यज्ञ में उसका फ्लैट नहीं बिक रहा था, ये बैठे बैठे हवन किया और यहीं से डीलिंग हो गई उसकी, घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको। कई दिनों से 2-3 साल से लगा हुआ था बेचारा, जाने के बाद इतना हल्का लग रहा है अभी। मतलब जो ऐसा जड़ कम हो गया। हाँ, बारीक जो मतलब अंदर जो खिंचाव तनाव सा लग रहा था। कब से लग रहा, मतलब अभी आज पूजन के बाद आप मैं आके गए था ना बोलने के बाद, तुम्हारे चेहरे में आ गया सुधार। हाँ, आ गया तुम्हारे चेहरे में, पहले की अपेक्षा बहुत सुधार आ गया। हाँ, स्वामी जी आपका स्मरण करने से अंदर से मतलब ऊर्जा का अनुभव होता है? अच्छा, ऊर्जा का अनुभव होता है स्मरण करने से? तो हम तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसी ऊर्जा हमारे पास, तो अभी कैसे कैसे हो जाता है। सुबह महाकाल भगवान विश्वनाथ के मंदिर में गए थे ना, तब हम दोनों बैठे थे, उधर से कम पाठ कर रहे थे और मैं बैठा था, तो मतलब आपका ये उधर सगुन रूप मुझे दिख रहा था, मतलब आंखें बंद करने का उधर मंदिर में। मंदिर में? अच्छा, हम स्पर्श दर्शन हुआ जिसके लिए पैसे उधर लगते थे VIP, लेकिन हमको तो बोले आ जाओ जाओ जल्दी, ऐसे बोले वो। हम गए ऐसे ही गर्भगृह में प्रवेश कर गए, स्पर्श दर्शन हुआ। अच्छा, वो शिवलिंग को स्पर्श हो गया तुम्हारा? अरे वाह भाई वाह। हाँ, यहाँ तो मैं तो अभी तक नहीं किया हूँ। बहुत लोग उधर बोले तो लगते ऐसे बोल रहे थे। हाँ, बोले आपने रुद्राष्टकम किया वो 40 पाठ किए वहाँ सामने। हाँ, तो उन्होंने बोले। हाँ, आओ देख रहे हो रुद्राष्टकम। आओ तुम स्पर्श। और उधर भाग बैठे थे ना स्वामी जी, तो आंखें बंद करके बैठे थे। हाँ, तो आपका मतलब आपका रूप दिख रहा था मुझे, आंखें बंद करने पर। आंखें बंद करने पर? अच्छा, बंदर छोटे से आके उसको ये कर रहे थे। बंदर क्या कर रहे थे? उठा रहे थे। हाँ, उसको आके हिला रहे थे ऐसा। तो उठो जल्दी, ज्यादा ज्यादा ध्यान मत कर रहे। हाँ, तो समाधि में चला जाएगा। हैं? हाँ, चलो अच्छा है। कितने साल से जुड़े हो चैनल से? 2021 से जुड़ा हूँ। अच्छा, तो अपना पहले शिविर था ना, मतलब नहीं क्या वो पहले कौन सा शिविर था, प्राथमिक शिविर था पहले 21 रुपए वाला। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद 31 रुपए वाले जो मंत्र साधना शिविर होता है ना, तो आपसे मतलब महाशिवरात्रि के दिन आपसे मंत्र ही मिला था मुझे। महाशिवरात्रि को ही मिल गया, तो अभी देखो शिव जी कृपा हो गई तुम पे, तो अभी आप प्रत्यक्ष भी हो जाए तो अच्छे हो। तुम प्रत्यक्ष तो है ही है, जब तुम्हें ध्यान में मिल रहे हैं, ध्यान में अनुभव हो रहा है सामने, तो प्रत्यक्ष का क्या है? हम डेली हमारा प्रत्यक्ष तो शरीर है, प्रत्यक्ष तो आत्मा प्रत्यक्ष थोड़ी होता है ना? मतलब लेकिन अभी और कुछ बाधा वगैरह है क्या, कुछ दोष जानना था इसलिए? वो तो थोड़ा सा ये रहता ही है, हर एक के पीछे जो है पितर दोष तो रहता ही है सबके पीछे। तो तुम्हारा रुद्राष्टकम का पाठ करने से तुम्हारा वो जो मकान नहीं बिक रहा, वो क्या मकान था कि जमीन थी? मकान। अच्छा, बिक गया मतलब टोकन मिल गया उसका? टोकन तो मिल गया। ठीक है, अच्छी।